रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, चलने से पहले मंजिल का तयन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम गलत रास्ते पे पड़ जाएं। लाहौर जाने के लिए बस ले लें और दुआएं मांगते रहें कराची के लिए, तो हम कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो आपकी हमारी ज़िंदगी पैदा होने से शुरू होती है और मौत पर ख़त्म हो जाती है, तो हमें बीच में अरसे में ये इख्तियार करना होता है कौन से रास्ते पर चलें। तो अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते इंतखाब करने के लिए कहा है। अल्लाह रब्बे कायनात है, हम हर नमाज में इसकी तकरार करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ताला हमें सच का सीधा रास्ता दिखा। तो अपना ज़खीरा अल्फाज बढ़ाएं। आई नो, फाइंड एंड यूज इंटरेस्टिंग वर्ड्स, पढ़ें, बोलें, मानी जाने और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आपका ज़खीरा अल्फाज नहीं बढ़ता, आप समझ नहीं पाते, आप इजहार नहीं कर पाते, और आपके पास अल्फाज महदूद हों तो विजन भी महदूद और मुस्तकबिल भी महदूद। तो आज हम कुछ नए वर्ड्स सीखने जा रहे हैं जिनमें ओ डबल ओ साउंड है, जिसमें से पहला लफ्ज़ है ब्लू। तो ब्लू जो है वो रंग के मुख्तलिफ शेड होते हैं। इसके अलावा ब्लू ओशन, ब्लू समुंदर, ब्लू स्काई, नीला आसमान, ब्लू वेल, नीली वेल, ब्लूबेरी एक फ्रूट का नाम है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक ब्लू प्रिंटिंग होती है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाने लगे तो हम उसका जो नक्शा है वो फोटोग्राफ ले लेते हैं, उसको ब्लू प्रिंटिंग कहते हैं। या कोई अगर हम कोई कामयाब होने के लिए हमारे जो प्लान होते हैं उनको भी हम कागज़ पर लिख लेते हैं। तो अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप वो खूबियाँ अपने अंदर जो पैदा करनी है उनको कागज पे लिखें, और आपने कितनी मेहनत करनी है रोज और कौन सी बुक्स पढ़नी है वो लिखें। तो हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। स्टूल, अ सीट विद लेग्स बट विद नथिंग टू सपोर्ट योर बैक और आर्म्स। स्टूल जो होता है उसकी बैक नहीं होती, इसके अलावा सोफा, चेयर्स और बहुत सारी चीजें हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टूल जो है वो पखाने को कहते हैं, द सॉलिड मैटर दैट इज डिस्चार्ज इन अ बावल मूवमेंट। और पूल, पूल जो है वो पानी का एक तालाब होता है, जैसे स्विमिंग पूल है, घरों में आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, कुदरती भी होते हैं। तो इसके अलावा पूल वसाइल इकट्ठे करने को भी कहते हैं, जैसे पैसे इकट्ठे करके किसी के लिए गिफ्ट खरीदना। फिर फ्रूट है, फ्रूट फल को कहते हैं। फ्रूट जो होता है ये फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन पौधों को फल लगते हैं उनकी ओवरीज से या उनके बाकी टिश्यू से बनता है, और इसको इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये कैंसर और बुढ़ापे से बचाते हैं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं क्योंकि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। तो अब आप इमेजिन द फ्रूट्स यू हैव टेस्टेड, राइट डाउन देयर नेम। आप सोचें आपने कौन से फ्रूट चखे हैं, उनके नाम लिखें। तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमने, ब्लू, स्टूल, पूल, फ्रूट और स्कूल को फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड करना है। द कैट सैट ऑन द डैश, कैट किसके ऊपर बैठी हुई है, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और उसका उस चीज का नाम लिखें जिस पे कैट बैठी हुई है। तो कैट किस पे बैठी हुई है, स्टूल पे। द कैट सैट ऑन द स्टूल, द बिल्ली, बिल्ली जो है वो स्टूल पे बैठी है। द बॉयज प्लेड क्रिकेट इन, बॉयज जो है वो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, उस जगह का नाम लिखें जहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे प्लेड क्रिकेट इन स्कूल, उन्होंने स्कूल में क्रिकेट खेली। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वुड लाइक टू स्विम इन द डैश, अब ये है इन द पूल, शाबाश। तो स्विमिंग पूल वो तालाब जिसमें लोग स्विम करते हैं या तैरते हैं, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। Who would like to swim in the pool? कौन पूल में तैरना पसंद करेगा? और what is your favorite? डैश किस चीज़ की तस्वीर नजर आ रही है, फ्रूट की, शाबाश। और फ्रूट को उर्दू में फल कहते हैं। फेवरेट का मतलब है आपका पसंदीदा फल कौन सा है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसके फिल इन द ब्लैंक करें, what is your favorite fruit? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is ही इज वेयरिंग अ डैश सूट, जो आदमी है उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, वेयरिंग कहते हैं पहनने को। सूट कौन से कलर का है, शाबाश, अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्लू, ब्लू सूट, ही इज वेयरिंग ब्लू सूट। तो प्यारे बच्चों, याद रखने का
तरीका यह है कि आप फ्लैश कार्ड बनाएं, आप स्टिकर भी खरीद सकते हैं, आप इन कार्ड्स के ऊपर खुद ड्राइंग भी बना सकते हैं, इनके स्पेलिंग लिखें और आपस में फ्लैश कार्ड की गेम्स खेलें, एक दूसरे से पूछें, बोलें, प्रोनाउंस करना भी आपको आ जाएगा, फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करें और ये आपको लिख के स्पेलिंग भी याद करने होंगे। तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।